100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। लॉकडाउन के चलते सरकार से लेकर प्रशासन की तरफ से हर किसी से अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। वहीं इसी बीच कन्नौज में शहर काजी मौलाना अहमद सईद ने शबे बारात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर पर ही रहकर खुदा की इबादत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें। इसके साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के बीच गरीबों की मदद कर रहे समाज सेवियों और पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद कहा। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمامی ہموطن ساتھیوں اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ 29 کے حساب سے چاند ہوا نہیں 30 کے حساب سے کل 14 تاریخ ہے اور جو کل کا دن 9 तारीख का दिन गुजारने के बाद जो शब आएगी वो शबे बरात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 15वीं शब को क़याम करो और दिन में रोज़ा रखो। बहुत मुबारक रात है, बहुत बरकतों वाली रात है। गैब से निदा आती है, अल्लाह अपने बंदों फरमाता है कोई हमसे बख्शिश मांगने वाला जो मैं उसे बख्श दूँ। और अल्लाह ताला ने बहुत मामले में बरकतें रखी हैं इस रात में। तो हम अपने हिंदुस्तानी भाइयों से, मोमिन भाइयों से अर्ज़ करूँगा कि वो इस रात में अपने घरों में इस हिंदुस्तानी हालात को देखते हुए जो कोरोना वगैरह के ताल्लुक से बीमारियां चल रही हैं, इन हालात में हमें प्रशासन जिस चीज़ का कह रहा है हमसे, तो हम उसकी बातों पे अमल करें। हम अपने घरों में नमाज़ें पढ़ें, अपने अपने घरों में इबादत करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और अल्लाह की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के अर्ज़ करें, अल्लाह हमें भी माफ़ करें, हमारे गुनाहों को माफ़ करें।